उद्योगपति डॉक्टर रमेश बी बाहेती को वसूली के लिए धमकाने के मामले में नया मोड़ आ गया है। डॉक्टर बाहेती ने खुलासा किया कि उन्होंने जिस प्रशांत अग्रवाल को अपनी कंपनी बेची थी, उसी ने बदमाशों को उनके पीछे लगाया है। एक तरह से उसने सुपारी मेरे नाम पर ट्रांसफर कर दी। डॉक्टर बाहेती ने कहा, घटना के बाद मुंबई निवासी प्रशांत अग्रवाल ने उन्हें फोन कर अपनी हरकत स्वीकार की। कनाड़िया थाने में दर्ज वसूली व धमकी के मामले में पहली बार डॉक्टर रमेश बाहेती मीडिया के सामने आए। उन्होंने बताया, करोड़ों के लेनदेन का विवाद उनका नहीं है। उन्होंने राव पिथमपुर रोड पर स्थित अपनी कंपनी एसटीआई प्रशांत अग्रवाल को बेची थी। कंपनी में अमेरिकी कंपनी निवेश कर रही थी। बाद में प्रशांत ने करीब 70 करोड़ रुपए अदा कर कंपनी को 2010 में टेक ओवर कर लिया। अमेरिका में पढ़ाई पूरी करने के बाद प्रशांत ने गारमेंट्स का बिजनेस किया। उसकी देश में करीब 6 से 7 फैक्ट्रियां है। उन्होंने 70 करोड़ रुपए के एवज में प्रशांत को करीब 80 करोड़ रुपए दिलवाए और अभी भी करीब 100 करोड़ रुपए की फैक्ट्री मौजूद है। प्रशांत से अच्छे संबंध होने के कारण उसने मुझे ही अध्यक्ष के नाते कंपनी चलाने के लिए कहा। उनकी तारापुर स्थित फैक्ट्री भी मैं देखता था, जिसके एवज में साल में मुझे करीब 2.5 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाता था। डॉक्टर बाहेती ने कहा, पिछले कुछ समय से कंपनी को आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने से देनदारियां बढ़ रही थी। इसी बीच मुझे दूसरे सामाजिक दायित्व संभालना थे, इसलिए मैंने 31 मार्च 2018 को कंपनी से त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद भी प्रशांत से लगातार संपर्क रहा, वह व्यवसाय को लेकर बातें करता रहता था। जून में अचानक मुझे सेटलमेंट के लिए धमकी के लिए मैसेज व फोन कॉल आने लगे। पहले मुझे लगा स्थानीय बदमाश मुंबई लिंक से ऐसी हरकत कर रहा है, इसलिए ध्यान नहीं दिया। जब भाई व बेटियों के घर तक पहुंचने की धमकी दी गई तो लगा मामला गंभीर है। तब एडीजी वरुण कपूर से मिलकर पूरी घटना उन्हें बताई। बदमाश के मैसेज पुलिस के सामने रखे तो जांच शुरू हुई और पुलिस ने सूरज सेन दुबे निवासी मुंबई को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें कुछ भी इत्म नहीं था कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.